नगर विकास के लिए होगा युद्ध। दोनों ही पार्टियां के दिग्गज लड़ेंगे नगर पालिका का चुनाव। सामान्य महिला सीट पर कौन बनेगी प्रथम महिला, आचार संहिता का मुगल कभी भी बच सकता है। नगर निकाय चुनाव प्रदेश के सर पर मंडराने लगे हैं। जब से इन सीटों का आरक्षण हुआ है तब से कहीं चेहरे बाजार में चमकने लगे हैं। ऐसा ही माहौल शामगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों को ढूंढने में लग गई है। वहीं अध्यक्ष बनने का मन बना चुके दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता बाजारों में सुर्खियां बटोरने लगे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन शामगढ़ में नगर पंचायत का अध्यक्ष का दावेदार है। बात कर रहे हैं भाजपा के तो लंबी लिस्ट है। सर्वप्रथम नाम है राजू भाई यादव। कई पदों पर आसीन राजू भाई यादव अपनी धर्मपत्नी को उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नाम रखने वाले राजू भाई यादव टिकट ला सकते हैं। दूसरा नाम है रमेश जी काला की पत्नी संतोष काला, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, नगर में कई विकास के कार्य कर चुकी है, तो भाजपा इन पर विश्वास जता सकती है। वहीं तीसरा नाम है नीलू खन्ना। पूर्व पार्षद रहे नीलू खन्ना भारतीय जनता पार्टी में बड़ी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। वहीं युवा लंबी से जुड़े होने के कारण इन्हें भाजपा उम्मीदवार घोषित कर सकती है। वहीं चौथा नाम सतीश जी खुराना का है। वह भी अपनी धर्मपत्नी को नगर अध्यक्ष की दौड़ में शामिल करना चाहते हैं। सतीश खुराना पूर्व मंडल अध्यक्ष रहकर भारतीय जनता पार्टी में एक अलग रूप का रुतबा रखते हैं। वहीं इनकी धर्मपत्नी की बात की जाए तो धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण शहर में अपनी अलग अलग पहचान बना रखी है। वह पाँचवें स्थान पर देखा जाए तो गोपाल जी ननवानी, वह अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यह भी भाजपा में एक बड़ा नाम है। वहीं इनके सुपुत्र नवीन ननवानी भी भाजपा में एक अलग दबदबा रखते हैं, तो पार्टी में इनके साथ की जा सकती है। यूं तो भाजपा की लिस्ट लंबी है। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि कृष्णकांत रत्नावत भी इस लिस्ट में, वहीं शांतावेद गुप्ता, नीलकमल मेहता आदि बड़े नामों की टिकट जुगाड़ में लगे हुए हैं। एक और सूत्र से प्राप्त हुआ है कि शामगढ़ में आलमगढ़ निवासी एक भाजपा नेता इसी तरह लिस्ट में ऊपर चल रहा है। बात करें कांग्रेस की तो यहाँ भी कांग्रेस के कट्टर बड़े बड़े नाम लिस्ट में देखे जा सकते हैं। बात करें पहला नाम पवन पांडे। पवन पांडे भी अपने धर्म पत्नी को इसी सीट पर लड़ा सकते हैं। कांग्रेस ने अपना एक नया रुतबा वही धार्मिक कार्य में सर्वप्रथम रहे पवन पांडे इससे सही हकदार है। अगर पार्टी इस सीट को जिताना चाहती है तो पवन पांडे पर विश्वास जिता सकती है। वही दूसरा नाम है मनोज मुजावदिया, जो हाल ही में उपचुनाव में विधायक के उम्मीदवार होते होते रह गए। बड़े नामों के साथ जुड़ने वाले अलावा श्री मुजावदिया पोरवाल समाज के एक अलग रुतबा रखते हैं। तीसरा नाम है पंकज मुजावदिया एलजी। अभी कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता में एक पंकज मुजावदिया भी हैं। पोरवाल समाज से जुड़े होने के कारण अपना एक अलग रुतबा रखते हैं। वहीं राजनीति की माहिर व समाजसेवी कांग्रेस के कट्टर नेता श्री सोनू भाई जायसवाल भी अपनी धर्मपत्नी को यहां से चुनाव लड़ा सकते हैं, और कहा जा रहा है कि पार्टी इन पर भी विश्वास जता सकती है, क्योंकि पार्टी के लिए बलिदान कर चुके हैं सोनू भाई, पहला हक बनता है। वहीं सरल सहज कांग्रेसी नेता जगदीश मेहता इसी उम्मीदवारी पर अपनी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। श्री मेहता कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता में से एक है। वहीं पार्षद रह चुके, नगर निगम विकास कार्य कर चुके हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस इनमें किस अपना उम्मीदवार तय करती है। कांग्रेस में एक बड़ा नाम अपना एक अलग साख रखता है। चार नंबर के पूर्व पार्षद गोपाल पटेल कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता है। वहीं बीजेपी के उपचुनाव में एक वार्ड और चिन्ह कर प्रदेश में अपना एक नाम अलग बना चुके हैं। इन नामों के अलावा कई नाम और भी हैं जो इन चुनाव में अपना रंग दिखाना चाहते हैं। पार्टियाँ किस पर विश्वास करती है देखने की बात होगी। पार्टियां सामाजिक कार्ड खेलकर दोनों पार्टी इस तरह श्री कर लेगी या फिर दमदार कैंडिडेट उतार कर जीत के हासिल कर पाए, यह तो देखने वाली बात रहेगी। पर इतना यह तय है कि अब जनता वोट तो उसे ही देगी जो विकास करेगा। 7 News MP के लिए खास रिपोर्ट।